नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 22 जून 2022 बार बुधवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम आप अवश्य लिखें। आइए, पंचांग शुरू करने से पहले हम जानते हैं आज के दिन किन देवी देवताओं की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद रहने वाली है। आज भगवान गणेश की पूजा विशेष शुभ रहने वाली है। शुरू करते हैं अपना पंचांग। वार बुधवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944। माह की बात करें, आषाढ़ माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी तिथि, नक्षत्र रेवती नक्षत्र, योग सौभाग्य योग जो कि शुभ योग रहने वाला है। बात करें करण की, तैतिल करण सुबह 8:33 तक रहेगा, उसके बाद गर्करण प्रारंभ हो जाएगा। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:28, सूर्यास्त शाम 7:17, सूर्यदेव मिथुन राशि से संचरण कर रहे हैं। चंद्रोदय की बात करें तो सुबह 12:58, चंद्रास्त अगले दिन दोपहर 1:27, चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के जो स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त, अपने इष्ट देव की आराधना, मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, स्वयं सिद्धि, मंत्र पढ़ना, इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना गया है। सुबह 3:52 से लेकर और सुबह 4:40 तक ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। बात करते हैं अभिजित की, तो आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं रहेगा, यानी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, शुभ कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप अपने उस शुभ कार्य को शुभ लग्नानुसार और शुभ चौबड़िए के अनुसार आपको करना होगा। बात करते हैं कौन कौन से चौबड़िए शुभ रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्योदय से, लाभ का चौबड़िया शुभ चौबड़िया माना गया है। सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:12 तक रहने वाला है। लाभ के बाद अमृत 7:12 से 8:55 तक रहने वाला है। लाभ और अमृत दोनों चौबड़िए शुभ माने गए हैं। अमृत के बाद काल 8:55 से 10:39 तक काल का चौकड़िया रहेगा, अशुभ चौकड़िया है। काल के बाद शुभ 10:39 से दोपहर 12:23 तक रहने वाला है। शुभ का चौकड़िया शुभ समय। शुभ के बाद हम बात करें रोग, दोपहर 12:23 से दोपहर 2:06 तक रहेगा, अशुभ चौकड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 2:06 से लेकर 3:50 तक रहेगा, उद्वेग का चौकड़िया भी अशुभ माना गया है। उद्वेग के बाद चर सामान्य समय है, 3:50 से शाम 5:33 तक रहेगा। चर के बाद लाभ शाम 5:33 से और शाम 7:17 तक रहने वाले हैं। इन सभी चौकड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौकड़िए शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन तीनों को अशुभ चौकड़िए की संज्ञा दी गई है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो है वो अशुभ चौकड़िए में शुरू नहीं करना चाहिए। बात करते हैं शुभ समय राहुकाल और गोलिक काल की। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों समय को अशुभ समय माना गया है। राहु काल की बात करें दोपहर 12:00 से लेकर और 1:30 तक रहेगा। गोलिक काल की बात करें सुबह 10:30 से लेकर और दोपहर 12:00 तक गोलिक काल रहने वाला है। बात करते हैं दिशाशूल, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। फिर भी अगर जातक उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य करें, यानी आज के दिन यात्रा से पहले तिल से बने पदार्थों का सेवन अवश्य करें। बात करते हैं चंद्रबल, यानी आज कौन कौन सी राशियां शुभ रहने वाली हैं। तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां आज शुभ रहने वाली हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज जो भी जब तक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नाम अक्षर और जन्म पाई की। अगर आप बात करें अपन चंद्र राशि की, यानी आज जो भी जब तक जन्म लेंगे उनकी राशि क्या रहने वाली है, तो उनकी मीन राशि, जिसके कि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। नामाक्षर की बात करें तो नामाक्षर रहेंगे दे, दो, चा और ची। जन्म पाई की बात करें तो इनका सभी का स्वर्ण का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।